तो वर्क पार के अंदर पहला पॉइंट ये है कि कोई भी अगर फोर्स डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस करती है तो माना जाता है कि उसने वर्क डन किया। दूसरा पॉइंट इसमें ये है, वर्क डन का फॉर्मूला एफ एस कॉस थीटा है, नंबर टू। तीसरा पॉइंट ये है कि जो वर्क डन है, जैसे अगर मैं वर्क डन की बात करूं तो वर्क डन पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो भी हो सकता है। तो पहला फॉर्मूला मैंने क्या करवाया आपको, पहला टर्म मैंने आपको ये बताया कि जो वर्क डन है उसका फॉर्मूला एफ एस कॉस ऑफ थीटा है, पॉइंट नंबर वन। दूसरा कॉन्सेप्ट ये बताया कि जो वर्क डन है वो पॉजिटिव, वो नेगेटिव और वो जीरो भी कहलाया जा सकता है। आपको कि जीरो तो तब होगा जब फोर्स अप्लाइड नहीं है, नहीं, जब फोर्स अप्लाई की तब भी जीरो हो सकता है। पॉजिटिव वर्क डन तब है जब आपकी बॉडी पे फोर्स भी राइट है मान लो और डिस्प्लेसमेंट भी एक ही तरफ है, तो एफ और एक्स में एंगल क्या बनेगा, जीरो, तो पॉजिटिव वर्क डन है। आप एक बॉडी को पुश करते हैं तो ऑब्वियसली पॉजिटिव वर्क डन है, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं उस डायरेक्शन में एक्स भी है। नेगेटिव वर्क डन जो है वो हमेशा अपोजिंग फोर्सेस करती हैं, जैसे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो बेसिकली क्या होता है कि बॉडी की डिस्प्लेसमेंट राइट है पर फ्रिक्शन लेफ्ट है, जितनी भी रेजिस्टिंग या अपोजिंग फोर्सेस हैं ये क्या करती हैं, ये बॉडी पे नेगेटिव वर्क डन लगाती हैं, क्योंकि इसमें एफ एफ में और एक्स में जो एंगल है वो क्या बनता है, 180 कॉस 180 क्या होता है, माइनस वन, माइनस एफ इंटू एक्स। क्लियर है यहाँ तक? तो ये याद रखेंगे रेजिस्टिंग या फ्रिक्शनल फोर्सेस नेगेटिव वर्क डन लगाती हैं। जीरो वर्क डन कब है, जब कोई बॉडी सर्कल में घूमती है, जैसे टेंशन है सर्कल में, पत्थर घूम रहा है, टेंशन है और इसकी वेलोसिटी कैसी है, ऐसी है, वेलोसिटी ऐसी है, डिस्प्लेसमेंट भी कहीं ना कहीं टेंजेंशियल ऐसी होगी, क्योंकि स्मॉल डिस्प्लेसमेंट इसमें क्या ली जाती है, टेंजेंशियल ली जाती है, डीएक्स। तो डीएक्स में और फोर्स में एंगल क्या बन रहा है, 90, तो वर्क डन की वैल्यू भी क्या होगी इसमें, 90 और जीरो। तो कोई भी अगर बॉडी सर्कल में घूम रही है तो क्वेश्चन में ये क्वेश्चन बहुत फेमस है, आता है कि वर्क में सेंट्रीपिटल फोर्स कितने हैं, तो आपने सुनते ही सेंट्रीपिटल में आंसर क्या बोल देना है, जीरो। या इमेजिन करो कि आपके पास एक पेंडुलम है, एक पेंडुलम यहां से यहां आया, पेंडुलम भी पार्ट ऑफ अ सर्कुलर मोशन है, पेंडुलम में ये सेंटर है और टेंशन सेंट्रीपिटल है, एंगल फिर से डिस्प्लेसमेंट में और टेंशन में 90 है, तो वर्क डन की वैल्यू इसमें क्या होगी, जीरो ही होगी। कोई भी बॉडी सर्कुलर मोशन है या सर्कुलर का पार्ट है तो उसके अंदर क्या होगी, कौन सी, इसमें वर्क डन की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। तो ये पॉइंट सबको क्लियर है यहां तक। नेक्स्ट जो पॉइंट है, इसमें वर्क डन में वेरिएबल फोर्स है। ये चैप्टर स्टार्ट होता है कि जब फोर्स की वैल्यू क्या कर रही है, वेरिएबल है, तो आपको क्या करना है, जब फोर्स वेरिएबल है तो आपको कुछ ऐसे करना है कि जो वर्क डन है वो क्या होता है, एफ इंटू एक्स, लेकिन वेरिएबल फोर्स में वर्क डन चेंज होते रहते हैं क्योंकि फोर्स की वैल्यू चेंज होती रहती है। वेरिएबल फोर्स में आपका वर्क डन निकालने का एक ही तरीका है और वो है इंटीग्रेशन, और कोई तरीका ही नहीं है। जैसे आपको न्यूमेरिकल के अंदर वो कहेगा कि मैंने फोर्स की वैल्यू लगाई 5x और मैंने डिस्प्लेसमेंट बॉडी की कहाँ से कहाँ करवाई, 1 मीटर से लेके एक्स इज इक्वल टू 2 मीटर तक करवाई, फाइंड अमाउंट ऑफ वर्क डन। तो वर्क डन की वैल्यू में एफ की जगह क्या करेंगे, 5x डी एक्स 1 से लेके 2 तक, आप इसे इंटीग्रेट कर लेना, आपके पास वर्क डन का फॉर्मूला आ जाएगा। क्लियर है? तो जब कांस्टेंट फोर्स है तो एफ इंटू एक्स कर दो, खत्म। लेकिन जब वेरिएबल फोर्स है तो एफ इंटू डी एक्स की इंटीग्रेशन करनी है, तो ही आंसर आएगा। लाइन लगी पड़ी है वेरिएबल फोर्स के ऊपर, तुम तो पी वाई क्यू खोल के देखो, वेरिएबल फोर्स ही वेरिएबल फोर्स है। तो ये पॉइंट भी क्लियर है, ठीक। नेक्स्ट है वेरिएबल फोर्स के बाद जो अगला पॉइंट है, यहाँ पे ये सब हो गया, तो जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है ग्राफ। अगर आपको ग्राफ किसका दिया हुआ है, एक्स का वर्सेस फोर्स का, फोर्स और एक्स का कोई भी ग्राफ गिवन है, मान लो ये ग्राफ गिवन है और आप इसका एरिया निकाल दें, तो इसका जो एरिया होगा वो एफ इंटू एक्स होगा और वो आपको क्या देगा, अमाउंट ऑफ वर्क डन। तो याद रखना, फोर्स डिस्प्लेसमेंट का एरिया आपको क्या देगा, अमाउंट ऑफ वर्क डन। ये स्टेप भी क्लियर है यहाँ तक? तो इसके ऊपर भी क्वेश्चन आते हैं, अभी हम करेंगे डिस्कस। तो आप एरिया निकालते जाना, आंसर आएगा। एरिया में याद रखना, अगर एरिया पॉजिटिव है तो वर्क डन पॉजिटिव है, और अगर एरिया नेगेटिव है तो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि नेगेटिव वर्क डन माइनस हो जाते हैं।
पॉजिटिव वाले ऐड हो जाएंगे, नेगेटिव वाला माइनस हो जाएगा, तो नेट वर्क डन क्या होगा, इसका एरिया प्लस इसका एरिया माइनस इसका एरिया। तो ये याद रखना है। एनर्जी दो किस्म की है, मैकेनिकल नॉन मैकेनिकल। मैकेनिकल के अंदर पोटेंशियल एंड काइनेटिक है, और बाकी साउंड लाइट विंड ये सब नॉन मैकेनिकल है। मैकेनिकल में पोटेंशियल दो टाइप की है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इस चैप्टर में MGH बोलते हैं इसे, और स्प्रिंग की एनर्जी या इलास्टिक एनर्जी, इसको स्प्रिंग की एनर्जी हाफ के X² बोलते हैं। तो स्प्रिंग की फोर्स जो है वो माइनस के एक्स होती है, और स्प्रिंग की एनर्जी क्या क्या होती है, हाफ के X² होती है, और काइनेटिक तो पता ही आपको, हाफ MV² है। इसके अंदर जो अगला कॉन्सेप्ट है वो सिंपल है, हाँ इसके ऊपर बहुत न्यूमेरिकल आते हैं। काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला है वो हाफ MV² होता है, तुम इसे मास से मल्टीप्लाई और डिवाइड करो तो ये न्यूमिनेटर MV² हो जाएगा, और MV को क्या लिख सकते हैं, पी मोमेंटम। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, P² / 2m। हम प्लस टू के अंदर ड्यूअल नेचर आज करेंगे, जैसे चैप्टर चलता है उसमें तो भर के यूज होता है K = काइनेटिक एनर्जी P² / 2m। तो P² / 2m काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, क्योंकि ज़्यादातर मोमेंटम गिवन होते हैं, और मोमेंटम से एनर्जी कैसे निकालनी है ये आपको पता होना चाहिए। मेरे ख्याल से कम नहीं तो 10-15 क्वेश्चन तो इस फॉर्मूले में आए होंगे कम से कम, ठीक, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहती है कि अगर आपके पास कोई भी बॉडी है जिसकी वेलोसिटी यू है और थोड़ी देर में वी हो गई, अपने आप तो हुई नहीं, आपने क्या अप्लाई की, फोर्स अप्लाई की, तो आपकी फोर्स ने कितना वर्क डन किया वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल है। तो आपके इसने जो वर्क डन किया वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है, हाफ MV² माइनस हाफ MU², ये याद रखना, इसको आज हम अप्लाई करेंगे, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी अमाउंट ऑफ वर्क डन। नेक्स्ट है इसके अंदर जो करने वाला काम है वो ये है कि अगर मान लो आपके पास एक क्वेश्चन आ जाता है, मान लो इंक्लाइन प्लेन है, इंक्लाइन प्लेन पे ये मास है, ये मास है और ये 30 डिग्री है, ये मान लो 5 kg है, और मान लो फ्रिक्शन भी प्रेजेंट है, चलो फ्रिक्शन की वैल्यू मान लो 3 न्यूटन कैलकुलेट कर ली आपने, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन म्यू टाइम नॉर्मल रिएक्शन से 3 न्यूटन आ गई, काइनेटिक फ्रिक्शन है, तो ये काइनेटिक फ्रिक्शन है, और बॉडी नीचे आ रही है बाय अ फोर्स ऑफ 5g इंटू साइन ऑफ कितना, 30, और बॉडी ने यहाँ से यहाँ डिस्प्लेसमेंट कवर की 10 मीटर। आपको पहला क्वेश्चन आएगा, वॉट इज अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स, देखो, या एक्सेलरेटिंग फोर्स। मैंने नेट फोर्स नहीं कहा, मैंने कहा कि वो फोर्स जो बॉडी को एक्सेलरेट करवा रही है, तो फोर्स जो बॉडी को एक्सेलरेट करवा रही है उसकी वैल्यू क्या है, 5g sin 30। तो आप क्या करेंगे, अप्लाइड फोर्स, या मान लो ये फोर्स मैंने अप्लाई की इसे मूव करवाने के लिए जो इसको नीचे लेके आ रही है, तो वर्क डन में 5g sin 30, या ऐसा बोल सकते हैं वॉट इज वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटी का कौन सा कॉम्पोनेंट को नीचे लेके आ रहा है, MG sin 30 इंटू डिस्प्लेसमेंट कितनी, 10, और MG sin 30 फोर्स भी नीचे है, डिस्प्लेसमेंट नीचे है, तो दोनों के बीच में एंगल 0 है, तो ये आंसर है। लेकिन अगर इसी के अंदर पूछ लिया वॉट इज वर्क डन बाई फ्रिक्शनल फोर्स, तो आप क्या करेंगे, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 के साथ, लेकिन साइन नेगेटिव, इसमें 5g sin 30 नहीं लेंगे, उसे फ्रिक्शन पूछा तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लेंगे। नेक्स्ट अगर उसने पूछा वॉट इज वर्क डन बाई नेट फोर्स, तो नेट फोर्स में MG sin 30 में से फ्रिक्शन को माइनस करेंगे तो नेट फोर्स इसके इक्वल आ जाएगी, आंसर। तो पॉइंट क्लियर है, उसने नेट पूछा तो नेट फोर्स, उसने अगर ये पूछा अप्लाइड फोर्स तो अप्लाइड फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स तो फ्रिक्शन फोर्स, अलग अलग वर्कडन आएंगे और फ्रिक्शन का वर्कडन नेगेटिव आएगा। टोटल जो नेट फोर्स का वर्कडन आएगा ये या तो ऐसे निकलेगा कि नेट फोर्स को डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई कर लो, एक और शॉर्टकट भी है नेट फोर्स का वर्कडन के लिए, अगर आप मुझे यू बता दो और बॉडी का वी बता दो तो मैं चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकाल लूंगा, ये चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज ऑलवेज इक्वल टू वर्क डन बाय नेट फोर्स। तो वर्क एनर्जी थ्योरम कहती है वर्क डन बाय नेट फोर्स, सारी फोर्सेस का जो नेट सम होगा, वेक्टर सम होगा, वो जो वर्क डन करेगी, वो जो वर्क डन की वैल्यू है वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होगी। चाहे पॉइंट यहां तक क्लियर है, तो वर्क डन बाय नेट फोर्स इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक। तो मतलब याद रखना, कई बार स्टूडेंट सोचता है कि शायद किसके साथ इक्वेट करूं, तो तुम्हारे पास नेट वर्क डन निकालने के, नेट फोर्स का वर्क डन निकालने के दो तरीके हैं, नेट वर्क डन, नेट फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट,
या चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट है इसमें, इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी है और स्प्रिंग एनर्जी है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी MGH होती है। कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, लेकिन एक क्वेश्चन तो बहुत ही फेमस है जो इसके ऊपर आता है, और मेरे हिसाब से कम 8-10 क्वेश्चन तो PYQ में कम से कम मैंने देखे हैं इसको आता हुआ। कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव पे स्टैंडर्ड एक क्वेश्चन आता है, लेकिन उससे पहले बता देता हूँ कि एक फोर्स कंजर्वेटिव है, कंजर्वेटिव है, और दूसरी फोर्स कौन सी होती है? नॉन कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में क्या डिफरेंस होता है? हमने तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी देखा हुआ है कि कंजर्वेटिव फोर्स वो फोर्स है कि जिसके अगेंस्ट वर्क डन किया जाए, तो जो वर्क डन है वो किस पे डिपेंड करता है? इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है। और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस में जो वर्क डन किया जाता है वो पाथ पे डिपेंड करता है। तो जिसका जो वर्क डन है वो किस पे डिपेंड करता है? डिपेंड्स ऑन पाथ फॉलोड। और इसका एग्जाम्पल क्या बनेगा? फ्रिक्शन। फ्रिक्शन का जो किया हुआ वर्क डन है वो इनिशियल फाइनल पोजीशन में डिपेंड नहीं करता, वो रास्ते पे भी डिपेंड करता है। आप लंबे रास्ते से लेके आए हो तो आपको वर्कडन ज़्यादा करना पड़ेगा, और छोटे रास्ते में वर्कडन कम करना पड़ेगा, तो वो नॉन कंजर्वेटिव है। और कंजर्वेटिव का बेस्ट एग्जांपल है ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स में चक्कर ही नहीं है, आप एक ऑब्जेक्ट को यहाँ से यहाँ लेके आओ, बस हाइट एच होनी चाहिए, आप घुमा के लेके आओ, आप कैसे भी लेके आओ, आपका जो वर्कडन है वो हमेशा MGH ही होगा, बात खत्म। तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करता है और किस पर डिपेंड नहीं करता। अगर आपकी फोर्स कंजर्वेटिव है तो फोर्स में और पोटेंशियल एनर्जी में एक रिलेशन है, और उस रिलेशन के ऊपर बहुत क्वेश्चन आते हैं F = -du/dr। जैसे कि आपको वो क्वेश्चन में दो टाइप की प्रॉब्लम दे सकता है इसमें, वो आपको यू देगा, मान लो यू की वैल्यू -2x² देगा, और आपसे पूछेगा कि फोर्स की वैल्यू बताओ जब एक्स की वैल्यू 1 मीटर है, तो तुम यहाँ पर f की जगह -du/dx कर लेना फंक्शन, क्योंकि x चल रहा है। तो यहाँ से फोर्स की जो वैल्यू आएगी वो 4x आएगी, x को 1 मीटर पुट करके 4 न्यूटन आपके पास आंसर आ जाएगा। ये पहला तरीका है। दूसरा तरीका है, आपको F = -du/dx दे दिया उसने, और इस बार आपने उसको फोर्स की वैल्यू दे दी 2x है, और वो एनर्जी पूछ रहा है, तो कोई बात नहीं, आप इसको 2x पुट कर दो, -du/dx हो गया, या du की वैल्यू क्या होगी? -2x/dx हो गई, और आप इसे इंटीग्रेट करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगी? एनर्जी की वैल्यू आ जाएगी। तो ये क्वेश्चन के ऊपर, इस कॉन्सेप्ट के ऊपर बहुत बहुत क्वेश्चंस आते हैं। ठीक, यहाँ तक भी क्लियर है? तो ये आपको पता होना चाहिए। तो कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव की सेकेंड प्रॉपर्टी ये है कि अगर आप वर्क डन करते हो कंजर्वेटिव में, और आप जहाँ से स्टार्ट करते हो वहीं घूम के वापस ऑब्जेक्ट को ले आते हो, तो नेट अमाउंट ऑफ वर्क डन जीरो बनना चाहता है, क्योंकि कंजर्वेटिव में इट डिपेंड्स इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, और इनिशियल फाइनल तो सेम ही है, तो नो वर्क डन, कोई वर्क डन नहीं हुआ। नॉन कंजर्वेटिव में जाने का और आने का वर्क डन हमेशा ऐड होता है। जाने का -10 जूल है, माइनस इसलिए क्योंकि नॉन कंजर्वेटिव फ्रिक्शन फोर्स है, तो नॉन कंजर्वेटिव में वर्क डन भी नेगेटिव ही आएगा, तो -10 है। आने का भी -10 है, क्योंकि फ्रिक्शन तो जाए या आए नेगेटिव वर्क डन ही करेगी, तो टोटल वर्क डन -20 होगा। कंजर्वेटिव में 20 और -20 जीरो जाता है, लेकिन नॉन कंजर्वेटिव में ऐड हो जाता है। तो याद रखना, एक में जीरो एक में नॉन जीरो है, बस ये इसकी प्रॉपर्टी, और कुछ नहीं करना आपने इसमें। नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है उसमें ये करना है, ये कुछ नहीं करना आपने इसमें, कुछ भी नहीं करना। एनर्जी कंजर्वेशन सबको पता ही है, ये तो चलो +1 की चीज़ें हैं सारी। इसके बाद आपने क्या करना है, ठीक है, दो तीन बड़ी स्टैंडर्ड सी प्रॉब्लम्स हैं उसको एक बार बता देता हूँ जो बहुत आती भी हैं। पहली प्रॉब्लम ये आती है कि आपके पास एक टेबल है, टेबल के ऊपर चेन पड़ी हुई है, ऐसे चेन पड़ी हुई है, बहुत फेमस क्वेश्चन है, बहुत बार आया हुआ है। चेन की लेंथ मान लो L/6, टोटल लेंथ L है, लेकिन मास कितना है M है टोटल चेन का, L/6 पोर्शन हवा में लटक रहा है। आपको पेपर में आएगा कि इस चेन को उठा के टेबल पर रख दो और अमाउंट ऑफ वर्क डन बताओ कि चेन को ऊपर रखने में कितना आपने वर्क डन किया। तो कितना वर्क डन किया इसके लिए आप क्या करोगे, क्योंकि मास हर जगह डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो आप इसमें क्या करोगे, आप इसमें सेंटर ऑफ मास लोगे। तो इस पोजीशन का सेंटर ऑफ मास लोगे,
सेंटर ऑफ मास की जो वैल्यू है वो कितनी है, एल डिवाइडेड बाई 12, एल बाई 6 का आधा कितना है, एल बाई 12। और यहाँ पर जो मास है वो तो देखो कितना पड़ा हुआ है, एम बाई 6। क्यों, चेन की अगर लेंथ है ले तो मास एम है, एल बाई 6 तो एम बाई 6 है, मास नहीं आता करना, मास तो एम बाई 6 ही है पूरी चेन का जो लटक रही है, पर वो पड़ा कहाँ पर हुआ है, सेंटर ऑफ मास पे। तो आपने इतने लेंथ उठाना है उसे, तो आंसर आएगा एम बाई 6 इंटू जी इंटू एल बाई 12 आंसर। तो इस तरीके से आपने करना है, एम जी एच का फॉर्मूला लगाना है और लेंथ की जगह क्या पुट करना है, एल बाई 6 का आधा, मास की जगह तो एम बाई 6 ही पुट करना है। तो चेन वाली सारी प्रॉब्लम इस तरीके से ही सॉल्व होंगी। तो पॉइंट क्लियर है यहाँ तक, तो चेन की प्रॉब्लम सॉल्व होगी। और जो स्प्रिंग की एनर्जी है वो हाफ के एक्स स्क्वायर होती है, स्प्रिंग दब गया या खुल गया, हाफ के एक्स स्क्वायर एनर्जी है। ऐसा क्वेश्चन बहुत आता है कि वी वेलोसिटी से एक ब्लॉक आया और ये एक स्प्रिंग पड़ा हुआ है और ये बिल्कुल अनकंप्रेस्ड है, कुछ भी नहीं हुआ, और ब्लॉक ने इसको दबा दिया के, तो क्या हुआ, ब्लॉक की एनर्जी कितनी थी, हाफ एम वी स्क्वायर, दबा दिया, दबाने का मतलब कि सारी की सारी एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई, स्प्रिंग एनर्जी में कन्वर्ट हो गई, हाफ के एक्स स्क्वायर। तो हाफ एम वी स्क्वायर की बिल्कुल एंड के इंस्टेंट पर वो रुक जाएगा, जब रुकेगा तो हाफ एम वी स्क्वायर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हाफ के एक्स स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये रूल इसमें काफ़ी आता है, और ये तो बहुत ही आता है। एक और जो अगला रूल है वो ऐसा पूछा जाता है कि आपका जो मास एम है जिसको बोलते हैं मोमेंटम कंजर्वेशन, मोमेंटम कंजर्वेशन, ठीक है, मोमेंटम कंजर्वेशन का मतलब मोमेंटम कांस्टेंट है। तो मोमेंटम कांस्टेंट कब होता है, जब एक्सटर्नल फोर्स किसी भी सिस्टम पे क्या होती है, जीरो। तो पहला एग्जांपल है, अगर आपका कोई भी बुलेट चलता है m1 विद अ वेलोसिटी ऑफ v1, पहले रेस्ट पे थे तो ब्लॉक पीछे आएगा m2 विद अ वेलोसिटी ऑफ v2। तो हमने काफ़ी बार लगाया m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2, पहला एग्जांपल है। तो कभी भी बुलेट आगे जाएगा और ब्लॉक पीछे आएगा, m1 v1 m2 v2 का ही एग्जांपल इसमें लिया जाएगा। नेक्स्ट है, आपके पास अगर एक बॉम्ब पड़ा हुआ है, बॉम्ब का मास m है और वो रेस्ट पे पड़ा हुआ है और बॉम्ब के दो टुकड़े हो गए, तो एक टुकड़ा इधर जाएगा m1 विद अ वेलोसिटी ऑफ v1, तो दूसरे को उल्टा जाना ही पड़ेगा विद अ मोमेंटम ऑफ v2। तो m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2 बॉम्ब के एक्सप्रेशन में लगता है, बॉम्ब के दो टुकड़े हैं। अगर बॉम्ब के तीन टुकड़े हैं तो एक टुकड़ा मान लो इधर गया, तो मान लो m1 इंटू v1 इधर गया, एक टुकड़ा इधर गया, m2 इंटू v2 इधर गया, तो इनिशियल मोमेंटम फटने से पहले बॉम्ब का क्या था, जीरो। तो फाइनल मोमेंटम भी क्या होना चाहिए, जीरो। इसे बोलते हैं मोमेंटम कांस्टेंट है। तो अगर मैं ये बोल रहा हूँ कि मोमेंटम कांस्टेंट है तो इनिशियल और फाइनल मोमेंटम की वैल्यू क्या रखनी है, सेम। तो इसको कैसे करते हैं, इसको इस तरीके से करते हैं कि दो टुकड़े हैं, इन दो टुकड़ों का नेट मोमेंटम इस तरफ होगा जिसकी वैल्यू m1 v1 की स्क्वायर होगी और m2 इंटू v2 का स्क्वायर होगा ऐसे। और इसको नेट मोमेंटम को जीरो करने के लिए तीसरे पार्टिकल को इस तरफ जाना ही पड़ेगा ताकि इन दोनों की वैल्यू को हम इक्वेट कर सकें और नेट मोमेंटम क्या आ जाए, जीरो। वैसे ये कोलिजन का पार्ट है, कोलिजन में भी डिस्कस होता है, लेकिन चलो मोमेंटम कंजर्वेशन पार्ट है ही है। तो ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। मैं इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि इसके अंदर मोमेंटम कंजर्वेशन बीच बीच में यूज होता रहेगा, अभी आज हम करेंगे भी क्वेश्चन देखेंगे उस मोमेंटम कंजर्वेशन का कॉन्सेप्ट लगता है, ठीक। तो मतलब कोई चीज़ फट जाती है, कोई रॉकेट जा रहा है हवा में फट गया, m1 v1 m2 v2 का कॉन्सेप्ट लगता है। तो मतलब फटने से पहले मोमेंटम, फटने के बाद मोमेंटम विल रिमेन सेम। वो कैसे लगेगा उसकी प्रैक्टिस है, आज हम उसको करेंगे, डिस्कस करेंगे, ठीक। और सिर्फ यही नहीं, इसके अंदर ऐसा ये वाला एग्जांपल तो बहुत यूज होता है, हम कोलिजन में करेंगे भी, कि अगर एक m1 बॉल आ या बुलेट आ रहा है विद अ वेलोसिटी ऑफ u1, एक वुडन ब्लॉक पड़ा हुआ है, बहुत आता है ऐसा, वुडन ब्लॉक किस पे पड़ा हुआ है, रेस्ट पे, फिर वुडन ब्लॉक के अंदर बुलेट रेस्ट पे आ जाता है और टोटल मास क्या हो जाता है, m1 प्लस m2 एंड दे मूव विद अ कॉमन वेलोसिटी। तो टक्कर से पहले m1 u1 है और ये क्या है, जीरो। टक्कर के बाद m1 प्लस m2 इंटू vc, तो यहाँ से किसकी वैल्यू आ जाएगी, vc की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ से मतलब गोली लगने से पहले मोमेंटम और गोली लगने के बाद मोमेंटम रिमेन सेम। ऐसा ये तो बहुत यूज़ होता है, ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है क्योंकि एक स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है जिसके अंदर एक ब्लॉक गिवन होगा, एक ब्लॉक का मास m गिवन होगा, एक बुलेट आएगा छोटा m विद वेलोसिटी ऑफ u, ये इसके अंदर घुस जाएगा तो टोटल मास सिस्टम का क्या हो जाएगा, m प्लस m एंड दे विल मूव विद अ कॉमन वेलोसिटी। आपको ये बताना होता है कि कितनी हाइट अटेन कर गया, तो कितनी हाइट अटेन कर गया, h। तो जब भी अगेंस्ट ग्रेविटी जाते हो, सम ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक यहाँ पे और सम ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक यहाँ पे इक्वेट करना होता है। तो मान लो h हाइट आ गया
तो यहाँ पोटेंशियल तो नीचे जीरो है, पर काइनेटिक क्या होगी, हाफ एम प्लस एम इंटू वी सी का स्क्वायर। तो यहाँ पे गोली लगने से पहले मोमेंटम है, और यहाँ पे पोटेंशियल क्या हो जाएगा, एम प्लस एम इंटू जी इंटू एच, और काइनेटिक एंड पॉइंट पर क्या हो जाएगी, जीरो। तो मोमेंटम कंजर्वेशन से पहले आप कॉमन वेलोसिटी निकालेंगे, फिर एनर्जी कंजर्वेशन से वहाँ पर हाइट निकालेंगे। आज हम यही न्यूमेरिकल ऐसा कुछ करने वाले हैं, ठीक है यहाँ तक? ठीक, तो ये आपने ये पॉइंट नोट करना है इसमें। ठीक, नेक्स्ट है, नेक्स्ट में, नेक्स्ट करने से पहले चलो बता, इसमें दो तीन चीज़ें और देख लेते हैं। इसमें क्वेश्चन तो चलो पी वाई क्यू में से करेंगे, हम सीधा ही करेंगे। तो नेक्स्ट के अंदर मैंने बता दिया एफ इज इक्वल टू माइनर डी यू बाई डी आर होता है, और अगर मान लो आपका जो जो यू है वो एक्स भी है, वो वाई भी है, और वो जेड भी है, उन्होंने पार्शियल डेरिवेटिव किया था, इलेक्ट्रोस्टैट्स में भी किया था, और इलेक्ट्रोस्टैट्स के अंदर सेम तो न्यूमेरिकल किया था। एफ निकालने का तरीका माइनस डी यू बाई डी एक्स आई कैप, डी यू बाई डी वाई जे कैप, डी यू बाई डी जेड के कैप। तो यू की वैल्यू पुट करते जाओ और पार्शियल डेरिवेटिव लगाते जाओ, आपके पास आंसर आएगा। पार्शियल डेरिवेटिव में बताया था कि जब आप इसको डिफ्रेंशिएट करते हो तो अगर डिफ्रेंशिएशन रिस्पेक्ट टू एक्स है तो वाई और जेड कॉन्स्टेंट है, तो इनकी डिफ्रेंशिएशन जीरो मान लेनी है, और अगर आपके डिफ्रेंशिएशन वाई के साथ है तो एक्स और जेड कॉन्स्टेंट है, तो वाई की डिफ्रेंशिएशन करनी है, और जेड के साथ है तो जेड वेरिएबल है, बाकी सब कॉन्स्टेंट है, आपका आंसर आएगा। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, और इसमें न्यूमेरिकल तो भी उसमें करेंगे। ये बड़ा स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है, प्रूव दैट स्पीड वी रीच्ड बाय कार ऑफ मास एम ड्रिवन बाय कांस्टेंट पावर पी इज गिवन बाय दिस। बहुत ही छोटा न्यूमेरिकल है कि कार की स्पीड वी है और पावर उसकी कांस्टेंट है, तो ये बताओ कि उस केस में स्पीड उसकी जो है इसके इक्वल है। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन पावर पे आ जाए, स्टार्ट एक ही लाइन से होगा, पावर इज फोर्स इनटू वेलोसिटी। तो आप इसमें क्या करेंगे, फोर्स को dp बाई dt, p को m इंटू वी, एम बाहर आ गया, v और dv एक तरफ, बाकी टर्म्स एक तरफ, dx से मल्टीप्लाई dx से डिवाइड, तो dx बाई dt v बन गया और बाकी टर्म्स राइट पे चलेगी। इसे इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट करके ये वेलोसिटी आएगी। आप चेक कर सकते हैं, ये फॉर्मूला आपको याद कर लेना चाहिए, p इज इक्वल टू फोर्स इंटू वेलोसिटी में ये फॉर्मूला याद कर लेना चाहिए, क्योंकि ये मेंस के अंदर पी वाई क्यू में ये दो तीन बार मैंने देखा है कि मतलब जो वेलोसिटी है वो x रेज टू पावर 1 बाई 3 के प्रोपोर्शनल है। तो ये बेटर है कि अगर पावर कांस्टेंट है किसी भी गाड़ी की तो वो कितना डिस्टेंस जो है ट्रेवल करेगी, वो इतना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, सीधा फॉर्मूला ही याद करो, बात खत्म, ठीक है? तो मतलब इतना टाइम नहीं है उसको करने का, ये बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है और इसका आंसर ऑलमोस्ट वो सेम ही आता है, चेंज होता ही नहीं है। तो आप उसमें देखेंगे पी वाई क्यू में जब ये क्वेश्चन आता है तो हम सॉल्व नहीं करेंगे, हम सीधा करेंगे, हमने कर रखा है x की v की जो है x रेज टू पावर 1 बाई 3 है, सिंपल। उसी तरीके से चलो ये प्रॉब्लम तो है ही है, ये बहुत आती है। यू वो आपको देगा, यू देगा एक्स की फॉर्म में, वो ये पूछेगा कि एक्स निकालो जब पार्टिकल इक्विलिब्रियम में है, स्टेबल इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है नेट फोर्स जीरो, और तुम एनर्जी से फोर्स कैसे निकाल सकते हो, पहले तुम एफ इज इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी एक्स लगाओगे, यू की वैल्यू लिखोगे, इसको डिफ्रेंशिएट करोगे, डिफ्रेंशिएट करके ये टर्म आएगी, और एंड में एफ को क्या पुट कर दोगे, जीरो। जीरो पुट करके एक्स की वैल्यू आ जाएगी, ये आपका आंसर होगा। मतलब इक्विलिब्रियम का मतलब है नेट फोर्स जीरो, तो यू से पहले एफ निकलेगा, एफ को फिर जीरो करना है ताकि इक्विलिब्रियम की कंडीशन है, अपने आप आंसर आएगा। आज हम इसको भी ट्राई करेंगे। तो मतलब ऐसे क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट जो पार्ट है इसमें, वर्क एनर्जी पार्ट में तो बहुत वैरायटी है न्यूमेरिकल्स की, तो ख़त्म ही नहीं होती है। हाँ, ये अलग पार्ट है, जो अभी मैंने आपको एक फॉर्मूला करवाया था कि जिसमें याद कर लो वेलोसिटी जो है वो एक्स की पावर 1 बाई 3 के प्रोपोर्शनल है। सेम क्वेश्चन में वो पूछेगा वेलोसिटी अगर एक्स की पावर 3 बाई 2 है तो डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ कैसे रिलेटेड है, सेम क्वेश्चन है। तो आपने कुछ नहीं करना यार, स्टार्ट वहीं से करना है, यहाँ से इसे सॉल्व करते हुए पावर फोर्स इंटू वेलोसिटी में, फोर्स को मास इंटू एक्सलेशन पुट करते हुए, एक्सलेशन को डी वी बाई डी टी पुट करते हुए, यहाँ टर्म आएगी, इस टर्म को डी एस और डी एस से मल्टीप्लाई डिवाइड, मतलब इसको सिंप्लीफाई करते हुए यार ये फॉर्मूला याद करो। इस फॉर्मूले में जो है सेट टी की पावर 3 बाई 2 के प्रोपोर्शनल है, याद करना पड़ेगा। नहीं याद करना तो फिर यार इंटीग्रेशन करते रहो, इंटीग्रेशन करके पहले वी निकाल लो, वी को डी एस बाई डी टी करके फिर आप क्या निकालोगे, एस निकालोगे, तो आंसर तो फिर वही आएगा, स्टैंडर्ड न्यूमेरिकल है, स्टैंडर्ड है, ये याद ही करना है, कोई तरीका नहीं है। ये आए हुए हैं क्वेश्चन, इसलिए बोल रहा हूँ, कभी भी आ सकते हैं, स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स है ये, ठीक है? बाकी और इसमें
ठीक है, ये जरूरत नहीं है, कुछ नहीं करना, अब शुरू करते हैं न्यूमेरिकल। तो इसमें काम करते हैं, इसके अंदर जैसे यहाँ से शुरू करते हैं, अ ब्लॉक जिसका मास 100 केजी है स्लाइड्स ओवर अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेस। अगर कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन सरफेस इज 0.4 तो वर्क डन की वैल्यू इसमें क्या होगी ये बताना है। तो म्यू पता है, म्यू पता है तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन निकाल लो, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन निकल गई तो वर्क डन निकाल लो, एफ इंटू फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ से डिस्प्लेसमेंट निकाल लो, डिस्प्लेसमेंट तो गिवन ही है इसमें, डिस्टेंस 10 मीटर है तो एस की वैल्यू आपको 10 मीटर पता है, फ्रिक्शन आप निकाल ही लोगे एफ इक्वल टू म्यू टाइम नॉर्मल रिएक्शन से मल्टीप्लाई कर लो। तो पहले आप क्या करोगे इसमें, एफ इज इक्वल टू म्यू टाइम नॉर्मल रिएक्शन से क्या निकलेगी, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ये रही म्यू टाइम नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन में mg होगा और फिर वर्क डन का फॉर्मूला क्या होगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इनटू डिस्टेंस। तो यहाँ से मल्टीप्लाई कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। तो बहुत आसान क्वेश्चन आया हुआ है, बहुत ही आसान है रादर। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसमें एक ब्लॉक है जिसका मास 1 केजी है, इज पुश्ड अप द सरफेस इंक्लाइन टू हॉरिजॉन्टल एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री बाय फोर्स ऑफ 10 न्यूटन। तो आपने 10 न्यूटन फोर्स लगाई और इस ब्लॉक को कहाँ ले गए आप, ऊपर की तरफ ले गए, पैरेलल टू द इंक्लाइंड सरफेस एज शोन। व्हेन द ब्लॉक इज पुश्ड अप बाय 10 मीटर अलोंग द इंक्लाइंड सरफेस, वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा, आपको वर्क डन अगेंस्ट क्या निकालना है, फ्रिक्शन। सबसे पहले क्या फोर्स निकालनी पड़ेगी, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। इंक्लाइन प्लेन है तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का फॉर्मूला म्यू टाइम नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है, एम जी कॉस 60। सबसे पहले आप निकाल लेंगे म्यू टाइम नॉर्मल रिएक्शन, और क्योंकि वर्क डन बाय फ्रिक्शन है तो क्या होगी, वर्क डन बाय फ्रिक्शन करने की जरूरत नहीं है, आप पहले एफ निकाल लें, वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज इक्वल टू माइनस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इनटू डिस्प्लेसमेंट, बस पता ही है नेगेटिव है। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन आपका कितना है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितनी है 0.5, डिस्प्लेसमेंट क्वेश्चन में गिवन है 10, आंसर। ये स्टेप तो बता चुका ना cos 180 वाला, अगेंस्ट दी नहीं, वर्क डन फ्रिक्शन के अगेंस्ट तो बाय डिफॉल्ट अगेंस्ट ही होता है, फ्रिक्शन आपकी मददगार तो कभी है ही नहीं ना, आप ब्लॉक को खींच रहे हो तो वो तो आपको वैसे ही अपोज कर रही है, आप करे जाओ वर्क डन, आप फ्रिक्शन के साथ कैसे वर्णन कर सकते हो। नहीं देखो ऐसा है कि वर्क डन बाय फ्रिक्शन, ओके ओके मैं समझ गया, आप ये कह रहे हो कि इस केस में बेसिकली क्या हो रहा है कि वर्क डन अगेंस्ट है, या ठीक है शायद वो स्टेटमेंट के अंदर उसने सही नहीं लिखा, सही मान एग्री करता हूं मैं, हम जो निकालते हैं वर्क डन बाय फ्रिक्शन है, ओके डन नेगेटिव है, और अगर मैं ये निकालता हूँ कि अगेंस्ट फ्रिक्शन निकालना है तो ठीक है वो पॉजिटिव हो सकता है, पर मैंने एक चीज़ नोट किया इन टाइप के क्वेश्चन में नेगेटिव का चक्कर रहता नहीं है, पर वैसे वर्क होता ही नहीं, देता ही नहीं, वो मैग्नीट्यूड ही पूछता है वैसे, अब जितने पहला क्वेश्चन देख लो उसमें मैग्नीट्यूड है, दूसरा भी मैग्नीट्यूड ही है, पर वैसे वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन जो होता है, या वर्क डन बाय द फ्रिक्शन होता है, सॉरी वर्क डन जो फ्रिक्शनल फोर्स वर्क डन करती है वो हमेशा नेगेटिव ही होती है, नेगेटिव होती है, मतलब मैंने ऐसा क्वेश्चन देखा नहीं है कि मैं फ्रिक्शन के वर्क डन को पॉजिटिव कर दूं, होता नहीं है, क्योंकि जब भी मैं वर्क डन करूंगा, चलो मैं भी अगर वर्क डन करूंगा तो मैं फ्रिक्शन के अगेंस्ट ही करूंगा, चलो एक ब्लॉक को मैं यहां अपनी तरफ खींच रहा हूं तो फ्रिक्शन कहां काम कर रही है, उधर काम कर रही है, तो उधर काम कर रही है हाँ, तो फिर वो अगर मैं ऐसा निकालता हूं वो तो वर्क डन मेरा हो गया ना, वो तो अगर मैं अपनी फोर्स लगाता हूं तो एफ भी मेरी तरफ है, मेरी मेरी अप्लाइड फोर्स है, और एक्स भी मेरी तरफ है तो ठीक है तुम्हारी सबसे पॉजिटिव है तो मेरा वर्क डन है, वो फ्रिक्शन के साथ वर्क डन नहीं है, ठीक है। तो वर्क डन बाय अगेंस्ट फ्रिक्शन में आप इसको फ्रिक्शन के साथ ही कंसिडर करें, अपना वर्क डन ना निकालें, वो बेटर है। हाँ थोड़ा इसको लिखना चाहिए था वर्क डन फ्रिक्शन के साथ, बाय फ्रिक्शन लिखते ज़्यादा बेटर हो जाता, बट चलो इसे मैग्नीट्यूड पूछा फर्क नहीं पड़ रहा, पर वैसे फ्रिक्शन वर्ड सुनते ना नेगेटिव आना चाहिए वैसे इसमें। इस क्वेश्चन को, बॉडी जिसका मास 0.5 केजी है ट्रेवल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन, और जो स्ट्रेट लाइन है उसकी वेलोसिटी आपको गिवन है, द नेट वर्क डन बाय द फोर्स ड्यूरिंग इट्स डिस्प्लेसमेंट क्या है। अब वेलोसिटी एक्स के साथ चेंज हो रही है, और मुझे बस ये बताओ कि अगर वेलोसिटी एक्स के साथ चेंज हो रही है तो जो एक्सेलरेशन आएगी डिफरेंशिएट करके वो क्या आएगी, 6x,
और जो फोर्स होती है वो क्या होती है, मास इनटू एक्सेलरेशन। मास की वैल्यू 0.5 है इनटू 6x, ये लो 6x फोर्स की वैल्यू आ गई। अब क्योंकि वेरिएबल फोर्स है, वेरिएबल फोर्स में क्या यूज़ करनी पड़ती है, इंटीग्रेशन। और जब मैं फोर्स को यहाँ पुट करूँगा तो x की लिमिट क्या लगेगी, 0 से लेके 2 तक, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट कहाँ से कहाँ है, 0 से 2। अब 0 से 2 लगा लेना, इसे इंटीग्रेट कर लेना, आंसर आएगा। तो मेथड सबको समझ में आ रहा है कि क्या करना है इसमें, तो डिफ्रेंशिएट करके v से पहले ये तो निकालना ही पड़ेगा, फिर वहाँ से फोर्स निकालनी पड़ेगी जो कि वेरिएबल फोर्स है, फिर इंटीग्रेट करके वेरिएबल फोर्स का फॉर्मूला लगेगा। आज हमने किया वेरिएबल फोर्स का, वो डन बाई इंटीग्रेशन ही होगा, और कोई तरीका नहीं है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर वो कह रहा है कि इसमें चार ग्राफ हैं, W1, W2, W3 और W4। इन चार ग्राफ को आपको अरेंज करना है, और कैसे, वर्क डन के ऑर्डर में, किसका वर्क डन ज़्यादा है और किसका वर्क डन कम है, ये आपको अरेंज करना है। तो क्या करेंगे, कौन सा ग्राफ है, एफ एक्स ग्राफ है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ का एरिया आपको वर्क डन देता है। तो आप ये लॉजिक लगाएं, इसका जो एरिया है, देखो ना, इसका जो एरिया है वो नेगेटिव ज़्यादा है, पॉजिटिव कम है, ओवरऑल वर्क डन तो इसमें नेगेटिव है। इसमें वर्क डन क्या आएगा, इसका एरिया माइनस इसका एरिया, इसमें क्या आएगा, इसका एरिया माइनस इसका एरिया, इसमें क्या आएगा, इसका एरिया, इसका एरिया माइनस इसका एरिया। सबसे ज़्यादा पॉजिटिव एरिया किसका आ रहा है, सी का आ रहा है। ठीक है, इसका आंसर क्या है, इसका आंसर ए है। डब्ल्यू थ्री खत्म ही हो गया यार, ये ए या बी में से है। चलो और भी देख लेते हैं, डब्ल्यू थ्री से स्टार्ट है, दो ऑप्शन एलिमिनेट हो रही हैं, फिर नेक्स्ट किसका लग रहा है आपको, इसका लग रहा है, इसका एरिया बढ़ा है, डब्ल्यू टू। चलो ये भी कॉम्पिटिशन नहीं, सेलेक्ट नहीं कर पाया मैं। फिर डब्ल्यू वन और डब्ल्यू फोर देखना है, डब्ल्यू फोर ये रहा डब्ल्यू फोर, इसका तो बहुत ही नेगेटिव है, और नेक्स्ट कौन सा है, डब्ल्यू वन, लो ये तो और भी नेगेटिव है। इसमें तो फिर भी दो पॉजिटिव और एक नेगेटिव है, इसके अंदर ज़्यादा नेगेटिव है और कम पॉजिटिव है। तो ये अंदाजे से आपको मार्क करना है, इसकी वैल्यू तो ऑब्वियसली नहीं गिवन। हाँ एक्स नॉट एक्स उसे कर सकते हो, मतलब मेरे कहने का मतलब तुम्हें करना क्या है, तुम्हें बस ये देखना है जिसका एरिया पॉजिटिव बढ़ा है उसका वर्क डन बढ़ा है, और जिसका एरिया नेगेटिव ज़्यादा आ रहा है उसको छोड़ दो, उसको एंड में लगा दो। तो इसका ग्राफ अगर वो क्या बोल रहा है, इसका आंसर क्या है, ए ग्राफ है। तो ए ग्राफ है तो वो एरिया निकाले जा रहा है, देख लो वो एरिया निकाल रहा है, एरिया चेक कर करके देख रहा है। पर मैं कह रहा हूँ कि आपको ऐसे ही करना चाहिए कि इसका एरिया जो है डब्ल्यू थ्री का सबसे बड़ा है, सबसे पॉजिटिव एरिया बड़ा है, फिर डब्ल्यू टू का बड़ा है, फिर वो कह रहा है डब्ल्यू वन का बड़ा है, डब्ल्यू वन ये रहा डब्ल्यू वन। अब डब्ल्यू वन में ये डिस्टेंस कितने है, एक्स नॉट है, ये माइनस एफ है, और ये एक्स वन माइनस एक्स नॉट है, और यहाँ पे कितना है, ये एक्स नॉट है, ये कितना है, एक्स टू माइनस एक्स नॉट है, एक्स टू माइनस एक्स नॉट है। ये कुछ गलत बना हुआ है इसमें, ये एक्स वन नहीं हो सकता ना, यहाँ पे कुछ समझ नहीं आया मुझे, इसकी वेरिएबल्स क्या हैं, नहीं बता पा रहा, इसमें नहीं बता पा रहा मैं, नहीं इसमें नहीं पता लग रहा, क्योंकि इसमें ये पता लग रहा है कि ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, और इसमें ये नेगेटिव है, और इसके अंदर ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, और ये नेगेटिव है। अब कौन ज़्यादा नेगेटिव है, इसमें चेक करने के लिए कोऑर्डिनेट सिस्टम में हाँ कह सकते हो, एक्स नॉट तक ये भी एक्स नॉट है, ये भी एक्स नॉट है बोल सकते हो, ये भी एक्स नॉट, कोऑर्डिनेट तो सेम ही है, तो एक्स नॉट तक की फोर्स माइनस एफ है, इसकी भी माइनस एफ है, तो ये वाला एरिया तो यहाँ से ये वाला, इसमें कंपैरिजन करना है, तो ये वाला एरिया और ये वाला एरिया मैग्नीट्यूड में बराबर हो गया, ट्राइंगल का एरिया बराबर है, तो यानी कि लेकिन ये एरिया क्या है नेगेटिव और ये एरिया क्या है पॉजिटिव। ठीक हो गया, तो अब नेक्स्ट जो है इसका, क्योंकि ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, अब इसके अंदर एक्स नॉट से लेके एक ट्राइंगल भी है और एक रेक्टेंगल भी चल रहा है। ठीक है यार, वो फिर अंदाजे से ज़्यादा नेगेटिव बन ही जाएगा, ज़्यादा नेगेटिव बनेगा, तो उसको एंड में लगा देना है डब्ल्यू फोर को, करना तो यही पड़ेगा और कोई तरीका ही नहीं है। ठीक है, तो एरिया से मार्किंग करनी पड़ेगी और कोई मैथमेटिकल तरीका नहीं है इसमें। नेक्स्ट रिटार्डिंग फोर्स कितनी है, माइनस के एक्स, इट्स अ वेरिएबल फोर्स, वेरिएबल फोर्स में वर्क डन कैसे निकलता है, बाय इंटीग्रेशन। तो एफ डी एक्स लगेगा और लिमिट क्या लगेगी, 0.5 से 1.5, तो इंटीग्रेशन कर लेना, एफ डी एक्स है
एफ की वैल्यू पुट कर लेना, लिमिट 0.5 से 1.5 वर्क डन की वैल्यू आ जाएगी। वर्क डन की वैल्यू इसमें कितनी आ रही है सॉल्व करके, माइनस 12। और आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है ये एक रिटार्डिंग फोर्स है। देखो जो रिटार्डिंग फोर्स है वो आपकी बॉडी की स्पीड को घटाती है, एक्सेलरेटिंग फोर्स पॉजिटिव होती है और आपकी स्पीड को बढ़ाती है। रिटार्डिंग फोर्स क्या करती है, स्पीड को घटाती है। तुम्हारी रिटार्डिंग वर्क डन कितना आ गया, -12 जूल आ गया, वो तो नेगेटिव ही आना था, रिटार्डिंग फोर्स है। अब वो कह रहा है कि इस केस में स्पीड ऑफ द ब्लॉक एज इट जस्ट क्रॉसेज द रफ सरफेस विल बी इक्वल टू व्हाट, मतलब वो ये कह रहा है कि इसमें एक रफ सरफेस है, ये एक रफ सरफेस है और ये रफ सरफेस x इज इक्वल टू 0.5 से स्टार्ट हो रहा है और x इज इक्वल टू 1.5 पे खत्म हो रहा है। तो जब ये बाहर निकलेगा इसकी स्पीड बताओ क्या होगी, और जब ये एंटर कर रहा है तो इसकी स्पीड कितने की बने, 4 मीटर पर सेकेंड। तो कुछ नहीं करना, वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहती है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मतलब हाफ इंटू एम इंटू वी स्क्वायर माइनस हाफ इंटू एम इंटू फोर स्क्वायर इज नेट अमाउंट ऑफ वर्क डन, जो कि कितना है 12। तो यहाँ से वी निकाल लेना, आंसर आएगा। क्लियर है यहाँ तक? तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी नेट अमाउंट ऑफ वर्क डन, आंसर आएगा यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्क डन तो निकालना ही पड़ेगा, नेगेटिव आएगा वर्क डन तो, मैं -12 ही बोला। -12 आ रहा है इसमें, देखो ये पी वाई क्यू करने में समय लगेगा, तो मैं आपको जो ऑनलाइन है उनके पास तो उस वीडियो का लिंक है ही है, आपको रिवाइज करने के लिए एक एक वो ऑन करके एक किताब ये साथ में रख लेनी है, उसमें हिंट उसमें दे ही रहे हैं, मेन क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा, मेरे ख्याल से 60-70% 60% तो किताब के सोल्यूशन है ही है उसमें, 60% बहुत होते हैं, 100 से ऊपर क्वेश्चन सॉल्व है। और ट्रिक बता रखा है सारे, जो ट्रिकी क्वेश्चन है उनका ट्रिक तो सभी बता ही रखा है। तो आपने क्या करना है, उसको लेके एक 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 क्वेश्चन सॉल्व करके उसको खत्म करना है, टाइम बिल्कुल नहीं लगाना और फटाफट खत्म करना है। आप ये सोच के बैठेंगे कंफर्टेबल जोन में कि चलो जितने होंगे देख लेंगे, फिर तो आपसे 15-20 से ऊपर होंगे ही नहीं। आप ये सोच के बैठेंगे कि किसी भी हालत में आज तो मेरे को ये चैप्टर ख़त्म करना ही है, उसकी एफिशिएंसी ही कुछ अलग, बात ही अलग है, तो वो 100 से ऊपर निकलेंगे। ठीक, तो एक बार में बैठ के सारे क्विक फटाफट, आप हिंट ले सकते हो, प्रॉब्लम नहीं है, हिंट लो फटाफट क्वेश्चन पढ़ो। लेकिन एक चीज़ स्टूडेंट बहुत ज़्यादा गड़बड़ करता है जब इस तरीके की स्टडी करता है, वो सोचता है कि मैं सुन लेता हूँ फटाफट मेरा काम हो जाएगा, ये कभी मत करना। पहला ट्राई खुद करना है, वो नहीं होगा कोई प्रॉब्लम नहीं है, हिंट के बाद होगा कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपकी आधी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ जाता है। दुनिया को तो क्वेश्चन समझ में नहीं आता, और जिसको क्वेश्चन समझ में आ रहा है उसको सोल्यूशन भी समझ में आएगा। ठीक, तो जल्दी में करोगे गड़बड़ हो जाएगी, जल्दी बिल्कुल नहीं करना, 2 घंटे फालतू लगते हैं, लगने दो, पर क्वेश्चन और उसका डायग्राम खुद बनाना है पहले, फिर उसको प्रॉपर सॉल्व करना है। क्या होगा यार, 50 क्वेश्चन जिंदगी में कमी कर लोगे, किस जिसने तरक्की की उससे कि कोई रिकॉर्ड थोड़ी ना कि 5000 क्वेश्चन करने पे तरक्की मिलेगी या सिलेक्शन, ये थोड़ी ना होता है। 50 कम होंगे कोई बात नहीं, जो 100 करोगे वो ढंग के कर लो, बस इतना काम कर लो, तो भी आपको कोई नहीं रोक पाएगा। ऐसे तो इनफाइनाइट है ना, ऐसे तो 5000 क्वेश्चन भी खत्म नहीं होंगे वर्क पार्टनर जी के। तो ये तो कोई अगर यही फॉर्मूला लगता है किताब को रट के जाना होता है तो लोग तोते रट ही लेते, ऐसा नहीं होता, आपको प्रैक्टिस करनी है बस। आपको क्वेश्चन पढ़ने की टेक्निक पता होनी चाहिए, तभी आपका सोल्यूशन निकलेगा, और जो कि एक स्लो प्रोसेस है, धीरे वाला प्रोसेस है, फटाफट नहीं हो पाता। देखो, पर्सन पुशेस अ बॉक्स ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल प्लेटफॉर्म, रफ है, फ्रिक्शन है, धक्का मार रहा है, ही अप्लाइज अ फोर्स ऑफ 200 न्यूटन ओवर अ डिस्टेंस ऑफ 15 मीटर। तो 200 न्यूटन की फोर्स लगाता है 15 मीटर तक, उसके बाद ही गेट्स प्रोग्रेसिवली टायर्ड, वो थक जाता है, एंड इज अप्लाइड फॉर रिड्यूसिंग लीनियरली मतलब कर्व नहीं है, लीनियर है, विद अ डिस्टेंस टू 100 न्यूटन। तो उसकी फोर्स 200 से 100 हो जाती है कुछ देर में। टोटल डिस्टेंस थ्रू विच द बॉक्स हैज मूव्ड इज 30 मीटर। आपको बताना है इस बंदे ने काम कितना किया, वर्क डन कितना किया। इसको मैथमेटिकली मत करना, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ प्लॉट करना। फोर्स की वैल्यू पहले 200 है, और फिर फोर्स की वैल्यू क्या हो गई, रिड्यूस हो गई, 100 हो गई, 200 से 100 हो गई, और 0 से लेके
30 मीटर तक हो गई, तो बस एरिया निकाल देना, एफ फॉर एक्स आंसर आ जाएगा। एफ फॉर एक्स का एरिया निकाल देना, उसके बाद बात खत्म। तो आपको एफ, आपको ये पता है कि 15 मीटर तक फोर्स 200 है गिवन है, फिर टोटल डिस्टेंस 30 पता है, और वो लीनियरली फोर्स गिर रही है। उसने ये भी कहा कि फोर्स इज डिक्रीजिंग लीनियरली, एंड इफ इट इज डिक्रीजिंग लीनियरली तो ऐसा कॉन्सेप्ट लगेगा इसमें। पॉइंट समझ में आ रहा है कि क्या इसमें लॉजिक है इसमें? ठीक है, इसका एरिया निकाल देना, आंसर आएगा। नेक्स्ट जो है ये लो, चेन वाला क्वेश्चन आज हमने किया था। बी आ रहा है, क्या किया इसमें? वो कह रहा है टेबल है, चेन लटक रही है, कितनी लटक रही है? 1/nth, यानी कि l बाय nth। तो मास कितना होगा? देखो अगर टोटल लेंथ l है तो मास m है, और अगर l बाय n है तो मास कितना है? m बाय n है। m बाय n मास कहां पर पड़ा हुआ है? इसके सेंटर ऑफ मास पे। तो ये डिस्टेंस कितना होगा? ये l बाय n है तो ये l बाय 2n है, हाफ कर दो, l बाय n का हाफ कर दो। तो वर्क डन की वैल्यू क्या होगी चेन को ऊपर रखने के लिए? मास, मास कितना है? m बाई एन इन टू जी, और हाइट कितनी है? l डिवाइडेड बाई 2n। इसको मल्टीप्लाई करके वर्क डन की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है यहां तक? ठीक, कोई डाउट इसमें? नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन है कि ब्लॉक जिसका मास m है और ये प्लेटफॉर्म के ऊपर है, प्लेटफॉर्म ऊपर जा रही है, एक्सीलरेशन g बाई 2 है, वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन क्या है? इसमें नॉर्मल रिएक्शन है क्या पहले ये तो बताओ। लॉज ऑफ मोशन लिफ्ट वाला केस किया था, जब लिफ्ट ऊपर जाती है तो नॉर्मल रिएक्शन का फॉर्मूला क्या लगता है? नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू होती है n इज इक्वल टू m इंटू जी प्लस a, और तुम्हें a की वैल्यू पता है कितनी? g बाई 2। ठीक है, तो अब वो कह रहा है कि दोनों के दोनों ऊपर जा रहे हैं, नॉर्मल रिएक्शन आ गया, बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व। नॉर्मल रिएक्शन कितना आ गया? 3/2 एम जी, और कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया इसने टी टाइम में? हाफ एस टू रेस्ट से स्टार्ट हुआ 0 प्लस हाफ एक्सेलेशन इन टू टी स्क्वायर, पर एक्सेलेशन कितनी पुट करनी है? जी बाई 2, क्योंकि पूरे सिस्टम की एक्सेलेशन जी नहीं लेनी, जी बाई 2। तो ये आपके पास एस आ गया। अब वर्क डन का फॉर्मूला फोर्स इन टू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट आ गया मोशन से और फोर्स आ गई नॉर्मल रिएक्शन से, क्योंकि उसने वर्क डन किसका पूछा? नॉर्मल रिएक्शन का। तो आप नॉर्मल रिएक्शन को डिस्प्लेसमेंट से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई, आपके पास आंसर आएगा। मेथड समझ में आ रहा है कि क्या लॉजिक है? मतलब आधा क्वेश्चन तो फोर्स का हो गया और आधा वर्क का हो गया, एक स्टेप एक्स्ट्रा है। कौन सी फोर्स है? वेरिएबल फोर्स है। तो वो कह रहा है कि वर्क डन की वैल्यू क्या होगी जब इसको स्ट्रेच कर रहे हो? तो क्या करेंगे? वर्क डन बाय इंटीग्रेशन। वेरिएबल फोर्स है तो पहला स्टेप क्या होगा? एफ डी एक्स की इंटीग्रेशन। टोटल रॉड की लेंथ एल है जिसको खींच रहे हो, तो जीरो से एल की इंटीग्रेशन कर देना, एफ डी एक्स करना, आंसर आएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट इसमें? वर्क डन डॉट डॉट वो चेन वाली प्रॉब्लम है सेम, ये सब वेरिएबल फोर्स हैं। इतने क्वेश्चन वेरिएबल फोर्स क्या रखे हैं अब देखो सही, सब में एफ डी एक्स एफ डी एक्स एफ डी एक्स एफ डी एक्स, कुछ भी नहीं है। कितने ही करोगे एफ डी एक्स? ये लो, मैं इतने क्वेश्चन जो स्किप किए हैं वो सिर्फ एफ डी एक्स की इंटीग्रेशन है।
क्या क्वेश्चन है? पर्सन ए एंड बी परफॉर्म सेम अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ बॉडी थ्रू अ सर्टन डिस्टेंस डी विद एप्लीकेशन ऑफ फोर्सेस। एक फोर्स 45 डिग्री पे है और एक फोर्स 60 डिग्री पे है। तो रेशियो ऑफ फोर्स अप्लाइड बाय पर्सन ए टू द फोर्स अप्लाइड बाय पर्सन बी इज 1/√x। तो आपको बताना है क्या है, कौन सी फोर्स इसको मूव करवा रही है हॉरिजॉन्टल। अब देखो ना, दो फोर्सेस हैं, एक 45 डिग्री पे और एक 60 पे है। तो वर्क डन कौन करवा रही है? साइन थोड़ा ना करवा रही है, वर्क डन तो कॉस कॉम्पोनेंट करवा रहा है। तो वर्क डन, या ऐसा करो एफ, टोटल वर्क डन एफ करवा रही है। चलो एफ इंटू डिस्प्लेसमेंट डी, और एफ और डी में एंगल कितना है 45, और दूसरे में एफ और डी में एंगल कितना है 60। डी तो बराबर ही है रेशियो, ठीक है यहां तक। तो वर्क डन की वैल्यू निकाल लेना आंसर, फिर एफ डी एक्स की इंटीग्रेशन। नेक्स्ट, इसमें जब भी सर्कुलर मोशन में बॉडी घूमे और आपको एक पॉइंट की वेलोसिटी गिवन हो, आपको दूसरे पॉइंट की निकालनी हो, तो एनर्जी कंजर्वेशन है। हमने सर्कुलर में डिस्कस किया था, एक बॉडी है जिसका मास एम है, वो स्लाइड करती हुई आ रही है कर्व के अलॉन्ग, वर्टिकल सर्कल है ए से लेके बी तक। तो आपको क्या बताना है, वेलोसिटी क्या है बी पॉइंट पर। तो आप इसमें क्या करेंगे, आप इसमें सम ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक यहाँ पे लें और सम ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक यहाँ पे लें, इसे इक्वेट कर दें। अब इक्वेट करने के लिए एक ये लें एक ये लें, इसे ग्राउंड मान लें, यहाँ पे पोटेंशियल क्या है जीरो, काइनेटिक आपको निकालनी है हाफ एम वी स्क्वायर। यहाँ पर पोटेंशियल क्या होगी, देखो पोटेंशियल होगी अगर ये आर है तो ये आर साइन 45 है, और ये डिस्टेंस आर है तो यहाँ की पोटेंशियल क्या बनेगी, एम जी इंटू आर प्लस आर साइन 45, और काइनेटिक रेस्ट से बॉडी चली है तो जीरो, इक्वेट कर लेना आंसर आएगा। तो पॉइंट क्लियर है, एनर्जी कंजर्वेशन से क्या करना है, सम ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक ए पॉइंट पर और बी पॉइंट पर इक्वेट कर देना, आपके पास अपने आंसर आ जाएगा। बी, हाँ मेरे पास भी है, नहीं नहीं कर सकते रूट आर जी वन, नहीं कर सकते नहीं। तो इसमें पोटेंशियल चेंज होने आर प्लस आर साइन में दिक्कत आ जाएगी, तो मैं इसे इक्वेट करना आंसर आएगा। तो ये मान लो एक लिफ्ट लगा के 20 मीटर तक एक बॉडी को ऊपर चढ़ा रहे हैं और एक मैन ऊपर लेके जा रहा है 20 मीटर तक, क्योंकि इनिशियल और फाइनल पॉइंट सब दोनों का सेम है, हार्डली मैटर कैसे लेके जा रहे हैं। तो वर्क डन दोनों में एग्जैक्टली क्या होगा, अगेंस्ट ग्रेविटी सेम है, तो वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी दोनों में सेम होगा। तो किया था कंजर्वेटिव है, कंजर्वेटिव की वजह से ये पार्टिकल्स हैं, मासेस m बाई टू एम टू एम और फोर एम है, सेम मोमेंटम है, पी की वैल्यू दोनों में सेम है। पार्टिकल विद मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला पी स्क्वायर बाय 2m लगा लेना। तो इसमें जिसका भी, क्योंकि मोमेंटम तो सेम है, जिसका मास सबसे छोटा है उसका, उसकी एनर्जी सबसे बड़ी है, तो लगा लेना एनर्जी पी स्क्वायर बाय 2m आपके आंसर आएगा। तो काइनेटिक इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ द बॉडी हो जाएगा। व्हेन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी बिकम 36 टाइम इट्स ओरिजिनल वैल्यू, काइनेटिक एनर्जी जो है वो कह रहे हैं 36 टाइम हो जाती है ओरिजिनल वैल्यू, द परसेंटेज इंक्रीज इन मोमेंटम क्या होगा। काइनेटिक तो बढ़ गई परसेंटेज में, मोमेंटम का परसेंटेज आपको निकालना है। फॉर्मूला क्या यूज करें, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू पी स्क्वायर बाय 2m, तो यही लगाएंगे। तो काइनेटिक एनर्जी एक में k है, एक में 36 k है, 36 गुना ज़्यादा हो गई। और काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में रिलेशन क्या है बता दिया मैंने, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाय 2m, तो मोमेंटम इज इक्वल टू 2m इंटू के का अंडर रूट। ये रहा, तो क्या कह रहे हैं, ये पहला मोमेंटम, ये दूसरा मोमेंटम है, ये पहला मोमेंटम, ये दूसरा मोमेंटम है, और दूसरे मोमेंटम एनर्जी 36 के है,
तो सॉल्व करके जो 36 का अंडर रूट 6 बाहर आएगा, तो ये तो पी वन है, ये पी है, तो यानी कि जो मोमेंटम है वो कितने टाइम्स हो गया, 6 टाइम्स हो गया। तो परसेंटेज निकालना है, तो फाइनल माइनस इनिशियल बाई इनिशियल 500% इंक्रीज हो गया। ठीक है यहाँ तक कोई डाउट इसमें? पी स्क्वायर बाई 2 एम पे लाइन लगी पड़ी है, कोई देखो तो सही, मतलब कि कोई क्या करेगा, लाइन लगी पड़ी है। इतना आसान वर्क पर एनर्जी आया हुआ 2022 का, 23 का, 24 का, मतलब अगर ये आ जाए तो फॉर्मूले पढ़ के बस ये क्वेश्चन कर जाओ तो बात बन जाएगी आपकी। अगर वैसे तो पैटर्न ठीक ही चल रहा है, वर्क पर एनर्जी पावर के क्वेश्चन बिल्कुल भी मुश्किल नहीं, जितना तो हमने क्लास में किया था वो तो सच में लेवल ऊपर था, लेकिन मुझे लगता है कि ये इतना लेवल का पेपर आता नहीं है। कोलिजन थोड़ी सी ट्रिकी आती हैं, वो 2D कोलिजन हैं, उसको थोड़ा लिख लिख के आपको देखना पड़ेगा। 1D में दिक्कत नहीं है, 2D में दिक्कत है, 2D में थोड़ा सा ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो मैं आपको ये जो क्वेश्चन जो छोड़ रहा हूँ वो भी करवा रखे हैं, तो प्लीज़ आप वो जाके ज़रूर करें, नहीं तो फिर ठीक है यार, मतलब टाइम निकल जाएगा, इतने में कोलिजन स्टार्ट कर दूंगा नेक्स्ट टाइम, फिर रोटेशनल सेंटर मास आ जाएगा, तो कहीं ना कहीं टाइम निकलता जाएगा, लेकिन आपको इन 3-3 दिनों में सारा काम खत्म करना ही है। अगले अगली बार से, अगले हफ्ते से प्लस वन के टेस्ट स्टार्ट हैं प्रॉपर, एक एक चैप्टर के, दो दो चैप्टर्स के वो टेस्टिंग स्टार्ट है, ठीक है ना? क्वेश्चन है देखो, इसमें कुछ करना नहीं है, वो कह रहे हैं ब्लॉक को सिंपली रिलीज किया फ्रॉम टॉप ऑफ द इंक्लाइन प्लेन और मैक्सिमम कंप्रेशन द स्प्रिंग आपको बताना है। बहुत सिंपल है, जब ये यहाँ से यहाँ आया तो यहाँ पे इसकी हाइट निकाल लेना, ये 30 है, ये 10 है, तो एच आ जाएगा यहाँ से, तो यहाँ पर एम जी एच एनर्जी है, काइनेटिक तो जीरो है, यहाँ पर एनर्जी कौन सी होगी, काइनेटिक यानी कि हाफ एम वी स्क्वेयर, और पोटेंशियल क्या हो जाएगी इसमें, जीरो। इक्वेट करके हाफ एम वी स्क्वेयर की वैल्यू आ जाएगी, फिर ये ब्लॉक सीधा जाएगा। अब जब ये ब्लॉक सीधा जाएगा, ये सीधा जाके इसे 2 मीटर बार क्या करेगा, इसे कंप्रेस कर देगा। प्रॉब्लम एक है, प्रॉब्लम ये है, अगर फ्रिक्शन ना होती तो यहाँ तो फ्रिक्शन नहीं है, म्यूज इक्वल टू जीरो, तो यहाँ से हाफ एम वी स्क्वायर आ गया, हाफ एम वी स्क्वायर सीधा हाफ की एक्स स्क्वायर प्रोड्यूस कर देता, है ना? तो क्वेश्चन बड़ा आसान था, इसमें कुछ भी नहीं करना था आपने, यहाँ पे आपके पास काइनेटिक एनर्जी एनर्जी कंजर्वेशन से निकाल लेना, और अगर ये फ्रिक्शन ना होती, मैं फिर कह रहा हूँ 2 मीटर तक, तो आपकी काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाती, स्प्रिंग की एनर्जी में, और आप एक्स निकाल लेते हैं कंप्रेशन कितना हुआ। प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पर एनर्जी लॉस है, तो यहाँ पे कितना एनर्जी लॉस है, क्यों लॉस है, क्योंकि फ्रिक्शन ने वर्क डन किया इसको रोकने के लिए, तो काइनेटिक एनर्जी में से वर्क डन बाय फ्रिक्शन को माइनस कर देते हैं, जो बचा वो स्प्रिंग को मिल गया, सिंपल। और वर्क डन बाय फ्रिक्शन क्या होता है, F इंटू एस, एस तो आपको पता ही है, फ्रिक्शन म्यू टाइम एम जी आपको पता है, पुट कर लेना, एक्स निकाल लेना, डिस्टेंस 2 मीटर पता ही है आपको, तो पॉइंट समझ में आ रहा है कि क्या लॉजिक है। तो टोटल एनर्जी में से वर्क डन बाय फ्रिक्शन को माइनस करना पड़ेगा। अब ये मत बोलना फ्रिक्शन का वर्क डन माइनस है तो ये माइनस होगा, नहीं ऐसे नहीं है, आपको माइनस ही करना है, तो यानी कि नेट अमाउंट ऑफ जो आपका जो काइनेटिक एनर्जी है उसमें फ्रिक्शन का वर्क डन माइनस करके जो बचा वो स्प्रिंग को दे देना है, और वहां से एक्स आ जाएगा। तो ये लॉजिक इसमें लगाना है आपने।
बॉल इज सस्पेंडेड बाय अ थ्रेड स्विंग्स इन अ वर्टिकल प्लेन सो दैट मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन इन द एक्सट्रीम पोजीशन एंड लोएस्ट पोजीशन आर इक्वल। अब पेंडुलम जब एक्सट्रीम पे है तो उसकी क्या एक्सेलरेशन है, और जब वो बिल्कुल लोएस्ट पोजीशन पे है तो उसकी क्या एक्सेलरेशन है, उसको इक्वेट करके थीटा निकाल लेना है। तो जब वो एक्सट्रीम पोजीशन पे है तो एम जी, एम जी कॉस थीटा, एम जी साइन थीटा, हम ऐसे ही डायग्राम बनाते हैं एक्सट्रीम पोजीशन पे। इसके पास कौन सी एक्सेलरेशन है, जी, ये थीटा है तो ये थीटा है, तो ये जी कॉस थीटा है और ये जी साइन थीटा, तो एक्सट्रीम पोजीशन पर एक्सेलरेशन कितनी है, जी साइन थीटा। मीन पोजीशन पर एक्सेलरेशन कितनी है, अब एक चीज़ बताओ, जब ये बिल्कुल लोएस्ट पॉइंट पर है तो क्योंकि इट इज़ अ पार्ट ऑफ अ सर्कुलर मोशन तो तुम यहाँ पर वी निकाल लेना, वी निकल गया, ये एल पता है, तो यहाँ पर एक्सेलरेशन का नाम क्या है, सेंट्रिपिटल वी स्क्वायर बाय एल, तो सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन है। तो लोएस्ट पॉइंट पर एक्सेलरेशन सेंट्रिपिटल है और एक्सट्रीम पोजीशन पर एक्सेलरेशन जी साइन थीटा है। तो अगर आप इन्हें इक्वेट करते हैं आपके पास एंगल आ जाएगा। प्रॉब्लम क्या है, आपको वेलोसिटी वी नहीं पता, तो पहले आपको क्या निकालनी पड़ेगी, वेलोसिटी वी। वी निकालने के लिए ये यू से चला, और मैंने बताया था कि सर्कुलर मोशन के अंदर अगर आपको एक वेलोसिटी पता है और दूसरी निकालनी है तो क्या लगेगी, एनर्जी कंजर्वेशन। तो पोटेंशियल एंड काइनेटिक का सम क्या कर देना है, इक्वेट। तो यहाँ पे काइनेटिक तो एक्सट्रीम पे जीरो है, और ये हाइट निकालने का तरीका मैंने आपको सर्कुलर में बताया था, एल इंटू वन माइनस कॉस थीटा, शॉर्टकट है ना, एल में से ये डिस्टेंस माइनस कर दो। तो अगर ये एल है, ये एल कॉस थीटा बनेगा, क्योंकि इस राइट एंगल ट्राइंगल में ये 90 डिग्री है, तो एल कॉस थीटा, तो एल में से एल कॉस थीटा माइनस करके पोटेंशियल की वैल्यू आएगी एम जी इंटू एल माइनस एल कॉस थीटा, और यहाँ से क्या आएगा, पोटेंशियल क्या हो जाएगी, जीरो। काइनेटिक क्या होगी, हाफ एम वी स्क्वायर। तुम इन्हें इक्वेट कर लेना, एल कॉमन आएगा, एल कॉमन आके ये टर्म आएगी, और मैथ्स में वन माइनस कॉस थीटा क्या होता है, टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू। यहाँ से सॉल्व करके वी स्क्वायर आएगा, फिर वी स्क्वायर बाय एल पुट करके सेंटीपिटल आएगी। तो सेंटीपिटल आ गई, एक्सट्रीम पोजीशन पर एक्सेलरेशन आ गई, इन्हें इक्वेट कर लेना, आंसर आएगा। तो रूल समझ में आ रहा है क्या करना है, तो पहले एनर्जी कंजर्वेशन से वी आएगा, वी की वैल्यू आपके पास सॉल्व करके ये आएगी, ये आएगी वी स्क्वायर, वन माइनस कॉस थीटा, टू साइन स्क्वायर थीटा, वी स्क्वायर को एल से डिवाइड करके एक्सेलरेशन आएगी। अब ये जो एक्सेलरेशन आई और ये जो एक्सट्रीम पे थी, इक्वेट कर दो, साइन थीटा को मैथ्स में क्या लिखेंगे, टू साइन थीटा कॉस थीटा, साइन और साइन बाय थीटा बाय टू क्या हो जाएगा, आपस में कैंसिल, टेन ऑफ थीटा बाय टू आंसर। आइडिया समझ में आ रहा है कि किसको किसके साथ, देखो क्वेश्चन आपको करने ही पड़ेंगे, आप ये ना सोचिए आपके हो गए, ये हुए नहीं है, आपको तो ट्रिक पता लगा है, आपको घर जाके तो ये पूरी शीट फिर से करनी ही है। रुका हुआ है ना, वहां से रिलीज किया है, चल नहीं रहा, रिलीज किया है, रिलीज किया है तो फिर सेंटीमीटर नहीं चलेगी इसमें, जीरो जीरो है ना एक्सट्रीम पे। ये मैंने आपको बता दिया, आपको पोटेंशियल जी यू पता है, इन अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई एंड जेड मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स कॉम्पोनेंट ऑफ फोर्स निकालनी है जब पी की वैल्यू वन टू थ्री है। तो मैंने बताया था अगर आपको यू पता है और अगर आपको एफ निकालना है तो देखो इसमें एक्स कॉम्पोनेंट पूछा है, तो y और z को डिफ्रेंशिएट करके फोर्स निकालने का कोई मतलब है ही नहीं, तो आप सिर्फ क्या करो, u को पुट कर दो ये टर्म, और ये पार्शियल डेरिवेटिव करना पड़ेगा अपने को, पार्शियल डेरिवेटिव में बताया था मैंने, ये कांस्टेंट मान के आंसर क्या आएगा, माइनस फोर एक्स। तो कोऑर्डिनेट आपको पता ही है, p वन पुट कर दो आंसर फोर न्यूटन। अपना तरीका लगा लो, पार्शियल डेरिवेटिव बताया था, u की वैल्यू एक्स वाई जेड में है, तो तुम पार्शियल डेरिवेटिव डिफ्रेंशिएशन एक्स की भी कर दो, वाई की भी कर दो, जेड की भी कर दो, और आपके पास अपने आप बाय डिफॉल्ट यहाँ पर फोर्स एक्स एक्सिस के लॉन्ग आएगी, उसका आंसर आ जाएगा। ये सब एनर्जी कंजर्वेशन है। तो वो कह रहा है पीस ऑफ मास एम वन फायर्स, तो आर्टलरी है, पीस ऑफ मास एम वन फायर्स अ शेल ऑफ मास एम टू हॉरिजॉन्टली, तो आफ्टर द फायरिंग रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ आर्टलरी एंड दैट ऑफ शेल इज इक्वल टू व्हाट। तो क्या होगा, जब भी एक गोली चलती है और गन पीछे आती है, मोमेंटम कंजर्वेशन, एम वन वी वन एम टू वी टू, तो आप इसमें एम वन वी वन एम टू वी टू करके मोमेंटम तो इक्वेट कर ही सकते हो। फिर आपको क्या करना है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ आर्टलरी हाफ एम वन वी वन स्क्वायर है और शेल का क्या हाफ एम टू वी टू स्क्वायर है, तो तुम यहाँ पर वी वन की जगह मोमेंटम कंजर्वेशन से पुट कर देना, आंसर आएगा। तो आइडिया समझ में आ रहा है, तो जब भी कोई इस टाइप की, जब शेल निकलेगा आर्टलरी पीछे जाएगी, गन से बुलेट आगे निकलेगा, गन पीछे आएगी, M1 V1 M2
वी टू मोमेंटम को कॉन्स्टेंट ही करना है। नहीं तो एक और आसान तरीका है, तुम पी स्क्वायर बाई टू एम लगा लो, पी स्क्वायर बाई टू एम, पी तो दोनों का सेम है तो काइनेटिक एनर्जी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एम है, तो आंसर एम टू बाई एम वन है, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। वैसे ही पेन को हाथ भी क्यों लगाना हो तो क्या, वो ज़्यादा बेटर है मेरे को लगता है। ये सब पी स्क्वायर बाई टू एम के न्यूमेरिकल में जितने भी हैं। क्वेश्चन है कि बुलेट जिसका मास 200 ग्राम है, हैविंग इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 90 जूल है, इज शॉट इनसाइड अ लॉन्ग स्विमिंग पूल एज शोन इन द फिगर। अब पूल में तो स्पीड कम हो जाएगी और एनर्जी कितनी रह गई, 40। कहाँ से स्टार्ट हुई, 90 से 40 रह गई, कितनी देर में, एक सेकेंड में। मिनिमम लेंथ ऑफ द पूल बुलेट हैज टू ट्रेवल ताकि वो रेस्ट पे आ जाए, तो लेंथ क्या होगी, दो केस बनाने पड़ेंगे, पूल की लेंथ क्या हो ताकि वो रेस्ट पे आ जाए। पहला केस है एनर्जी काइनेटिक कितनी है, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू है कितनी, 90, और फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी है, 40, और वो कह रहा है कि लॉन्ग पूल है और पूल की लेंथ मुझे पता नहीं है और एक सेकेंड में, ऐसा कितनी देर में हुआ, एक सेकेंड में, और मास आपको पता है, मास आपको पता है, तो तुम एक काम कर सकते हो, तुम्हें मास पता है तो काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी इनिशियल स्क्वायर इज इक्वल टू 90 से वी इनिशियल आ गया, तुम यहाँ पर 40 इज इक्वल टू हाफ एम वी फाइनल स्क्वायर से मास पता है तो क्या आ गई, फाइनल आ गई। तुम यहाँ से वी फाइनल, वी इनिशियल, वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी से क्या निकालोगे, पूल के अंदर बुलेट की रिटार्डेशन, रिटार्डेशन आ गई कि वो कितना स्लो डाउन हो जाता है, उसकी रिटार्डेशन आ गई। अब वो कह रहा है कि मुझे तो बुलेट को रोकना है, भाई अगर तेरे को बुलेट को रोकना है तो पूल की लेंथ क्या हो ये बताओ, रिटार्डेशन तो आप यहाँ से निकाल ही लोगे, और अब आप इसे एंटर करवाओगे विद सेम काइनेटिक एनर्जी कितनी, या सेम वेलोसिटी ये वी आई, अब आप इसे एंटर करवाओगे विद सेम वेलोसिटी कितनी, वी आई तो आप निकाल लोगे, पर फाइनल वेलोसिटी मुझे क्या चाहिए इस केस में, जीरो, मुझे रोकना है, और अगर मुझे रोकना है तो मैं क्या लगाऊंगा, वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर इज टू इंटू ए इंटू एल, ए जो भी नेगेटिव आएगा पुट करके, फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, जीरो, इनिशियल निकाल लेना आंसर। वर्क जो थोड़ा उनसे भी हो सकता है ट्राई कर लेते हैं, लेंथ कैसे निकाल लोगे फिर सेकेंड केस में तो लगानी पड़ेगी, हो सकता है, पर ये ज़्यादा आसान लग रहा है मेरे को इसमें, क्योंकि लेंथ निकालनी है ना तो मोशन की इक्वेशन तो लगेंगी, इसके बिना लेंथ तो नहीं निकलेगी, निकल भी सकती है एफ इन टू एल करके, थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, ये आसान लग रहा है, मतलब चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज माइनस एफ इन टू डिस्टेंस, तो फोर्स, रेजिस्टिंग फोर्स आ जाएगी एफ आपके पास, हाँ वो माइनस एफ, हाँ एस, हाँ ये कर सकते हो, नहीं इसमें भी हो जाएगा, चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी इसलिए हो रही है क्योंकि वर्क डन बाय रेजिस्टिंग फोर्स है, तो एफ इन टू एल कर लेना, हो तो जाए, ट्राई कर लेना एफ इन टू एल इसमें काउंट कर लेना कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है आपके पास और फाइनल भी आपके पास है, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय फ्रिक्शन कर लेना माइनस एफ इन टू एल, तो भी शायद हो जाएगा, आएगा आंसर तब भी आएगा, बस ये लंबा है और वो थोड़ा छोटा है और तो क्या ही है, तो
मतलब कुछ क्वेश्चन ना जैसे इस टाइप के क्वेश्चन है रिकॉर्डिंग में आपको सुनने को मिलेंगे, मतलब मेरे को याद है आप रिकॉर्डिंग में सुनेंगे बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, तो प्लीज़ एक क्वेश्चन को देख के डीमोरलाइज मत हो जाना कि बस यही बस अब ख़त्म है, अब मैं कर नहीं पाऊँगा, छोड़ देना, कोई परवाह नहीं, दुनिया में क्वेश्चन छोड़ भी दिया ना कोई गोली नहीं चल जाएगी कहीं पे, कुछ नहीं होगा, कोई सिलेक्शन का रेट तुम्हारा कम नहीं होता है, इतने बड़े समुंदर में एक क्वेश्चन कम किया था तो कोई सिलेक्शन रुकती नहीं है तुम्हारी, और ये मैं गारंटी देता हूँ ये क्वेश्चन तुम्हारा नहीं आएगा। इस टाइप की प्रॉब्लम जो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है देखो रिपीट नहीं होती इस टाइप की, एक आध क्वेश्चन जरूर डल जाता है डालने वाले से पर वो मुड़ के रिपीट नहीं करता, क्योंकि डालने वाला सेकेंड टाइम जो डालता है वो देख के डालता है, पुराने पेपर उसको आते हैं, वो अपने सामने पुराने पेपर रखता है कि ये पहले आ चुका है, वो इतना पागल भी नहीं है, उसको पता है कि इसके में क्या डालना है, तो कहने का मतलब सॉफ्टवेयर के अंदर ही पता होता है कि ये चीज़ें आ चुकी हैं, तो इसलिए रेपिटेशन वो उठाता नहीं है, रेपिटेशन वाला क्वेश्चन हल्की सी वैल्यू चेंज करके उठा लेगा, एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं उठाएगा वो, ठीक है। तो आप इतनी टेंशन मत लेना, आपने अगर 90% किताब भी कर दी तब भी सक्सेस ही समझो, कुछ नहीं होता 90% पे भी, ठीक। कोर्स बहुत बड़ा है यार, प्लस वन प्लस टू को छोटा कोर्स थोड़ी ना, और 70,000 क्वेश्चन 2 साल में करने का टारगेट होता है, 100 क्वेश्चन रोज का, 100 क्वेश्चन मिनिमम रोज का, 3 सब्जेक्ट का, 30 30 30 लगा रहा हूँ, इंटू 30, 3,000 इंटू 12 इंटू 2 हो गया, कर लो रोज के 100 की एवरेज लगा लो 2 साल तक, तो कहने का मतलब कि 25 30 हज़ार तो या 40 हज़ार तो कर चुके वो पता ही नहीं लगा, तो 5 7 में कुछ ना बिगड़ेगा। स्ट्रेटजी एक है, भूलना नहीं, कुछ लॉस होता है होने दो, कोई टेंशन नहीं है, डेडलाइन क्रॉस नहीं करनी, आप अपने कोर्स को जो है सारे कोर्स को एक बार ख़त्म करो ही करो, परफेक्शन तो आएगी नहीं, आप अगर ये कहो कि दुनिया की सारी वर्क पर एनर्जी मैं सीख लूँगा तो ये तो हो नहीं पाएगा। हाँ आपकी एफिशिएंसी 90% आ रही है, ठीक है कोई बात नहीं, अब नेक्स्ट चैप्टर पे आओ, जब सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा जो बचे हुए लेवल्स हैं फिर पकड़ लो उन्हें, पर अपने 30 दिन खराब मत करो एंड के, एक बार कोर्स को कंप्लीट करो उसके बाद सेकेंड राउंड लगा लो तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, ठीक। लेकिन एक बार के चक्कर में 6 दिन खराब कर देना ये ज़्यादा महंगे पड़ेंगे आपको, ठीक। तो आप एक बार अपना जितना भी हो सकता है उसको टेस्ट से पहले इसको कंप्लीट करो, फिर जब फुल सिलेबस टेस्ट होंगे फिर उसके अंदर उसको उठा लो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, प्रैक्टिस तो करनी है, सेकेंड राउंड में सेकेंड प्रैक्टिस शुरू कर दो, थर्ड में थर्ड प्रैक्टिस शुरू कर दो, तो इस तरीके से लेवल बढ़ाओ, ठीक। चलो ये कर लो, मोमेंटम कंजर्वेशन है ये लो, तो क्या कह रहे हैं, एक ब्लॉक है और वो हॉरिजॉन्टली चल रहा है और स्मूथ सरफेस विद स्पीड ऑफ 40, चलता चलता उसका मोमेंटम क्या था, एक ब्लॉक का मास एम है और स्पीड 40 है तो एम इंटू 40, चलता चलता 2 हिस्सों में टूट गया 1 और 2, तो एक हिस्सा एम बाई 3 हो गया और दूसरा 2m/3 होगा, ऐसे कहते हैं रेशियो प्रोपोर्शन 1/3 और 2/3, तो एक हिस्सा एम बाई 3 हो गया 2m/3 हो गया, तो वो कह रहा है इफ़ द स्मॉलर पार्ट मूव्स 60 स्पीड के साथ इन सेम डायरेक्शन तो फ्रैक्शनल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या है। देखो पहली चीज़ तो आपको जो बचा हुआ टुकड़ा है उसकी वेलोसिटी तो निकालनी पड़ेगी, और कोई भी चीज़ जब टूटती है दो हिस्से में तो क्या लगता है, मोमेंटम कंजर्वेशन। तो जब ये मूव कर रही थी एम विद अ वेलोसिटी ऑफ 40 तो मोमेंटम क्या था, एम इंटू 40, फिर पहला पार्ट एम बाई 3 में टूट गया, उसकी स्पीड कह रहे छोटे वाले पार्ट की स्पीड तो 60 है तो बड़े वाले पार्ट की स्पीड कितनी है, वी, तो वी की वैल्यू आ गई 30, तो छोटे पार्टिकल की स्पीड थी 60 है और बड़े पार्टिकल की स्पीड 30 आ गया, तो मोमेंटम कंजर्वेशन से ये वैल्यू आ गई, वेलोसिटी आ गई। अब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी थी कितनी, हाफ इंटू एम इंटू 40 स्क्वायर, और फाइनल कितनी है, हाफ इंटू एम बाई 3 की स्पीड 60 है और 2m/3 की स्पीड 30 है, माइनस कर लो आंसर आ गया। मेथड समझ में आ रहा है यहां तक क्या करना है आपको,